दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं Vivo Y 17। आप सामने स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं, यह है Vivo Y 17 और इस मोबाइल के अंदर में पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके मोबाइल में पिन लॉक हो या पैटर्न लॉक हो तो दोनों ही हालत में आप जो है इस मोबाइल को पिन पैटर्न को रीसेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि Vivo Y 17 मॉडल का जो है पिन पैटर्न को किस तरह से आप जो है रिमूव कर सकते हैं मिरेकल बॉक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मोबाइल को ऑफ करना होगा। मोबाइल को ऑफ करने के बाद आपको अपना जो है मिरेकल टूल जो है उसे ओपन करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना मिरेकल टूल ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका पिन पैटर्न को रिमूव किया जा सकता है मिरेकल बॉक्स से। तो दोस्तों आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिरेकल टूल जो है हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें करना यह है कि सबसे पहले हमें जो है डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है मिरेकल टूल के जरिए से। ठीक है, डिवाइस मैनेजर ओपन हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी मोबाइल को बूट कराते हैं तो डिवाइस मैनेजर में हमारा मोबाइल जो है शो करता है। ठीक है, इसलिए हमने जो है डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे ये जो मोबाइल है Vivo Y 17 तो मीडिया टेक है, ठीक है, MTK टूल ही रहेगा। और यहाँ पे जो है आपको कोई भी मतलब अदर से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है बूट नंबर 4। ठीक है, बूट नंबर 4 ही रहेगा ऑटो कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे Vivo में आपको Vivo Y 83 वाले बूट को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे चेक लगाना है और सेफ मोड का चेक हटाना है। ऑटो पे चेक रहेगा, एडवांस FRP पे चेक रहेगा, स्टार बटन पे क्लिक देना है और डायरेक्टली जो है आपको मोबाइल को ऑफ करके डायरेक्ट केबल लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट केबल लगाएंगे आप तो मोबाइल आपका तुरंत बूट नहीं करेगा। ठीक है, आपको जैसे केबल लगाना है, केबल लगाने के बाद कॉम यहाँ पे देख रहे हैं, कॉम 3 यहाँ पे जो है दिखा रहा है कि उसके बाद कनेक्टिंग टू फोन वेट लिख रहा है। जैसे ही कनेक्टिंग टू फोन वेट लिखेगा आपका, उसके बाद उसी वक्त आपको वॉल्यूम प्लस कंटिन्यू दबा के रखना है और तब तक दबा के रखना जब तक आपका मोबाइल कंप्लीट फॉर्मेट ना हो जाए। ठीक है, और मान के चलिए अगर आपके पास मल्टी फंक्शन ऑल इन वन बूट केबल है तो उसका जो उसमें जो 1 से लेकर 6 नंबर तक स्विच होता है तो पहला नंबर स्विच को ऑन कर दें, उसमें आपको कोई भी बूट की नहीं दबाना होगा, डायरेक्टली केबल लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल बूट करेगा और मोबाइल आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास केबल नहीं है तो आपको वॉल्यूम प्लस कंटिन्यू दबा के रखना होगा। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल जो है कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि इस तरीके से जो है आप मोबाइल को जो फॉर्मेट करेंगे तो इससे आपका पिन या पैटर्न लॉक ही रिमूव होगा, गूगल अकाउंट जो है रिमूव नहीं होगा। ठीक है, गूगल अकाउंट रिमूव करने के लिए उसके लिए जो है नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड होगा तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप गूगल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में अगर गूगल अकाउंट पहले से दिया हुआ नहीं है तो फॉर्मेट करेंगे तो कोई गूगल अकाउंट नहीं मांगेगा। ठीक है, लेकिन इस मोबाइल को मैंने फॉर्मेट किया है, इसमें कोई भी गूगल अकाउंट नहीं मांगा जाएगा क्योंकि इसमें गूगल अकाउंट था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मोबाइल को सेटअप करके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मोबाइल में कोई भी गूगल अकाउंट जो नहीं मांगा क्योंकि इस मोबाइल में जो है इसके डिवाइस में गूगल अकाउंट दिया हुआ नहीं था। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में गूगल अकाउंट मांगेगा तो उसके लिए भी जो है नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख करके गूगल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल सक्सेसफुली जो फॉर्मेट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें।